हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैथ का सवाल है और मैथ का चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ से, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो जी सर, देखिए आया हुआ है आरआरबी एएलपी 2018 में ये सवाल आ चुका है और आरआरसी बिलासपुर 2014 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी और आरआरसी ही में पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा, एसएससी हो, बैंक हो, यानी हाउएवर कोई भी एग्जाम हो, ऐसा आपको सवाल एचसीएफ एंड एलसीएम से देता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ना है कि दो संख्याओं का मसा, मसा मीन्स एचसीएफ, 12 है और उनका लसा यानी कि एलसीएम, ये क्या है आपका एचसीएफ है और यह क्या है एलसीएम है, 72 दिया हुआ है। इनमें यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है, एक संख्या दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से ये बनेगा। क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या क्या है, देखिए दिया हुआ है 24, ये 24 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो चलिए एक हम लोग मान लेते हैं, फाइंड आउट करना है, बराबर एलसीएम, एलसीएम क्या है 72 है सर, तो 72 यहाँ लिखिए। उसके बाद एचसीएफ क्या है 12, तो 12 लिखेंगे। अब कटाइए, 24 दिया 72, 3 से कट गया तो x बराबर क्या आ गया जी 12 3 36, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 36, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखें कितना आसान से बन गया, कुछ नहीं करना था, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना था और उसी पे पुट आउट कर देना था और काटना, तो आप लोग जानते हैं कि कैसे काटा जाता है, तो उस तरह से काट देना है ना। तो उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, कुछ सेम टू सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, हम बनाएंगे नहीं, सिर्फ हिंट दे देते हैं, उसके बाद आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 280 है, यानी कि एलसीएम कितना है 280 है, तथा उनका महत्तम समवर्तक 7 है, यानी कि एचसीएफ क्या है जी 7 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ पे भी दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला था, वहां पे भी दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। उसके बाद आप लोग काट कूट के बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि आरआरबी में आरआरसी में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा ऐसा सवाल आएगा। तो सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं जरूर से जरूर बना के कमेंट करके आंसर इसको जरूर बताइएगा, और इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर, तब तक बने रहिए, थैंक यू।